अगर म्यूट है तो यह आवाज आखिर कहां से म्यूट है, सवाल तो उठता है। और इसी सवाल के साथ में हम बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जो बात कहते आए हैं वो सही है। राहुल गांधी देश में कहें या विदेश में जाके कहें, हिंदी में कहें या अंग्रेजी में जाकर कहें, जिस भाषा में भी कहें, वो बात तो वही कह रहे हैं। शब्दार्थ और भावार्थ के चक्कर में ये देश जो है कहीं और डावाडोल स्थिति में जा रहा है क्या? यहाँ शब्दों के अर्थ अलग निकाले जा रहे हैं, राहुल गांधी के भाव जो हैं कुछ और हैं। क्या चाइना से लेकर हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो आप लोगों ने सुना है कि क्या कहा है उन्होंने? अगर नहीं सुना है तो जो अंग्रेजी जानते हैं उनसे गुजारिश है कि सुनिए और 10-20 लोगों को ज़रूर सुनाइए कि कहा क्या है राहुल गांधी ने, ताकि कम से कम इतना तो पता चलेगा। हम यहाँ राहुल गांधी की तरफदारी करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताने के लिए बैठे हैं कि देश में जो कुछ इस वक्त चल रहा है और हमारा और आपका पैसा जो पानी की तरह बहाया जा रहा है संसद की कार्यवाही के दौरान, जो नहीं चल पा रही है और उसमें कहीं ना कहीं साजिश चल रही है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और राहुल गांधी के नाम पर कुछ और खेल यहाँ या कहें तो व्यूह रचना जिसको कहते हैं वो रची जा रही है। आना चाहता हूं अमलिंदु उपाध्याय जी, किस रूप में कहा जाए, आप किस रूप में देखते हैं, क्या राहुल गांधी फंसे हुए हैं या राहुल गांधी ने फंसा दिया है? राजीव जी, अभी तक तो देखने में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, सरकार फंसी हुई है, और आज तो भाई लोगों ने जो है लोकसभा अध्यक्ष को भी फंसा दिया। मतलब अध्यक्ष जी बचे हुए थे अभी तक, अब उनको भी फंसा दिया। और देखिए, मैंने पहले भी कई बार आपके यहाँ कहा है अपने इसी कार्यक्रम में कि कांग्रेस के लोगों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको प्रधानमंत्री के बारे में भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ कहना नहीं चाहिए, वरना ये उसको सच साबित करने में तुल जाते हैं। अब राहुल गांधी बोल के आए कि लोकतंत्र खतरे में, उन्होंने साबित करने की कोशिश की पूरी की, देखो आप बिल्कुल सही बोल के आए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो गलत साबित ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा प्रयास कर रही है, सारी मशीनरी उसका पूरा प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी को सच साबित करना है। तो राहुल गांधी को अब खुद को सच साबित करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी काफी है राहुल गांधी को सच साबित करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी उस काम पे लगी हुई है। अब जहां तक सवाल यह है राजीव जी की, आज जो है जिस तरीके से सदन में म्यूट किए गए माइक और लोकसभा अध्यक्ष का भी माइक जो था म्यूट हो गया, मुझे लगता है ऐसा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण जो है वहां कुछ अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो लोकसभा अध्यक्ष ने ये उचित समझा कि देश के सामने जो है इस तरीके की शब्दावली नहीं जानी चाहिए, तो उसी माइक ने म्यूट कर दिए। क्योंकि अब सदन के अंदर कांग्रेस के 50 सांसद जो हैं या विपक्ष के 100 सांसद को मिलाकर कुछ बात कह रहे हैं, तो वो 350 सांसदों के सामने तो उनकी आवाज नगण्य है, तो 300 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके सामने तो आवाज वैसे ही दब जाएगी। तो नारे लगाते समय ये म्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण जो थे, लोकसभा सदस्य जो थे, वो कुछ ना कुछ वहां ऐसी कोई गंदी बातें कर रहे होंगे जिसको लोकसभा अध्यक्ष ने उचित समझा कि ये बातें जो है देशी जनता के सामने नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सदस्य आखिर माननीय है, जनता इनको चुन करके भेजती है, तो इनका असली चेहरा जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे संसद की गरिमा जो है वो उस पर ठेस पहुंचती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो जिसने माइक बंद किया वो जाने उसने माइक बंद क्यों किया, हम लोग कयास लगा सकते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष ने भी किया नहीं किया ये भी पता नहीं, या किसने किया कुल मिलाकर के। लेकिन राजीव जी, अब जिस तरीके की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से देखिए, प्रशांत जी कह रहे थे कि वो CGI को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है और अमेरिका के जो राजदूत हैं उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि सत्ताधारी दल के लोग जो है, उन्होंने जो CGI है DY चंद्रचूड़, उनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे अपमानजनक रूप चलाया हुआ है अभियान, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी स्थिति यहां तक पहुंच रही है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी को ये कोई चिंता है ही नहीं कि उसकी छवि क्या बन रही है, वो किनके ऊपर हमला किस तरीके से कर रही है, क्योंकि वो निकल चुकी है उन सारी चीजों से ऊपर, उन्हें उस तरह की कोई चिंता नहीं है कि क्या छवि बननी क्या नहीं बननी। मतलब जो असली रूप है भारतीय जनता पार्टी का, अब वो खुल करके जनता के सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो इसी तरीके का है। तो अभी तक तो ये छद्म आवरण हो रहे हुए थे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात की बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा था वो उन्होंने देश की जनता के सामने रख के खोल दिया है बिल्कुल, कि इनका जो है यही असली चाल चरित्र चेहरा है।
तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति जो कर रही है डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं, वो तो बाद में तय होगा कितने खतरे में और कितने खतरे में नहीं है जी, जब समय आएगा तब तय होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो सदन के अंदर हो रहा है उससे दुनिया के अंदर तो संदेश ये जा रहा है कि राहुल गांधी जो बोल के आए हैं कैम्ब्रिज में वो सब सच साबित हो रहा है। भारत के अंदर वास्तव में ऐसी परिस्थितियां हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार को तय करना है कि वो राहुल गांधी को किस हद तक जाकर के सच साबित करती है। अब जहां तक माफी मांगने का सवाल है तो राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे? खड़गे जी ने कहा स्पष्ट तौर पर कि भाई राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। वो सुप्रिया सीनियर एक टीवी चैनल पे थी कल या परसों, वो भी कह रही थी कि वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, माफी किस बात की नहीं मांगे मांगे। मतलब राहुल गांधी माफी मांगे या नहीं मांगे, पहले ये तो बताओ माफी मांगे किस बात की भाई? वो तो बाद में तय होगा, वो मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, कोई कुछ गलत बोला होगा तो मांग लेंगे माफी। ऐसा थोड़ी कि आदमी से कोई गलती नहीं होती, पहले ये तो बताओ किस बात की माफी मांगे। जब तक आप ये बात नहीं बताएंगे कि किस बात की माफी मांगी हो, जब तक उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक ना माफी मांगेंगे ना कोई माफी की बात करेंगे। तो जो भी आपको कहना है वो संसद के अंदर कहिए। राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद है, अभी तक आप कह रहे थे वो साहब विदेश चले गए, संसद के अंदर नहीं आए हैं, बाहर जाके बोल रहे हैं। आज वो संसद के अंदर तो पूछो उनसे, सवाल करो राहुल गांधी से, कहो अपना टेप लेकर क्या चुनाव संसद के अंदर ये आपने क्या बोला था। तो राहुल गांधी संसद में जाएंगे बोलेंगे तो वो टेप चलेगा फिर से, फिर देश की जनता सुनेगी। अगर माइक म्यूट ना किया जाए कि राहुल गांधी संसद के अंदर वो चला रहे हैं, तो ये सब मिला के राजीव जी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है और ऐसे समय संकट में फंसी है कि कर्नाटक का चुनाव सिर के ऊपर है, जो दक्षिण का जो दुर्ग कहलाता है भारतीय जनता पार्टी का वो ढहने के कगार पे है। ऐसे समय में ये सारी चीजें हो रही है। राहुल गांधी के ऊपर हमला करते करते उन्हें लग रहा है कि कहीं कर्नाटक जो पूरी तरीके से हाथ से निकल जाए, और कर्नाटक हाथ से निकलेगा तो 2024 के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। और पूरी जो जिस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है राहुल गांधी के पीछे और कांग्रेस के पीछे अडानी के मसले को लेकर के, इससे तय होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और गहरे फंसती जाएगी। अडानी के दलदल से ये जितना निकलने की कोशिश करेंगे तो अडानी के दलदल से कमल नहीं खिलेगा राजीव जी, ये निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की जो खरपतवार है वो अब सूखेगी अडानी के दलदल में, इस बात को आप लिख के रख लीजिए जी। अडानी घूम फिर कर अडानी सामने आते हैं, लेकिन ये मामला जो है सुलझेगा कैसे दीपक जी? क्या ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही सत्र बर्बाद? देखिए इसको मैं और तरीके से ये भी देखता हूँ। आपको पता है कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची ने एक बड़ी महान कृति की रचना की थी, मोनालिसा। हाँ दीपक जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बुशरा जी आपके पास आना चाहता हूँ। बुशरा जी आखिर क्या ऐसे ही देखेंगे सत्र खत्म? फिलहाल जिस तरह के आसार हैं राजीव जी, वो तो यही लगता है कि ये